बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माई सेल्फ इंजीनियर मोहम्मद राशिद, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, मुल्तान। आवर सब्जेक्ट इज हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन। आवर टॉपिक इज फ्लो थ्रू पाइप्स। आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7.3 से। ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ 150 मिलीमीटर डायमीटर सडनली इन लार्ज टू 300 मिलीमीटर डायमीटर एंड देन रिड्यूसेस टू 200 मिलीमीटर डायमीटर इफ द वाटर फ्लोइंग इन द पाइप बी 200 लीटर पर सेकेंड। फाइंड द लॉस ऑफ हाइट ड्यू टू इनलार्जमेंट एंड कंट्रक्शन। एक उफ की पाइप जिसका कतर 150 मिलीमीटर से अचानक बढ़कर 300 मिलीमीटर तक हो रहा है और फिर 200 मिलीमीटर कतर तक कम हो रहा है। अगर इसमें पानी 200 लीटर फी सेकंड से बह रहा हो तो पाइप के साइज बढ़ने और कम होने की वजह से हेड लॉस की मिकदार मालूम करें। तो ये डायग्राम में पाइप दिखाया गया है। इसमें आपका ये सेक्शन 1 है। इसमें पाइप का जो साइज है इनिशियली 150 मिलीमीटर है। उसके बाद पाइप का साइज जो है सडनली बढ़ जाता है, तो इसका साइज उसके बाद 300 मिलीमीटर हो जाता है। और उसके बाद पाइप का साइज बढ़ने के बाद फिर जो है कम हो जाता है 200 मिलीमीटर तक। तो ये पाइप जो है पहले 150 मिलीमीटर था, फिर 300 मिलीमीटर हो गया और उसके बाद फिर दोबारा से 200 मिलीमीटर तक हो गया। तो पाइप का साइज पहले बढ़ा फिर कम हो गया। तो हमने पाइप का साइज बढ़ने और कम होने की वजह से जो हेड लॉस हुआ है उसकी मकदार मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास जो नोन डाटा है, सबसे पहले डायमीटर ऑफ पाइप एट सेक्शन 1 ये हमें गिवन है, और उसके बाद डायमीटर ऑफ पाइप एट सेक्शन 2 ये पाइप का डायमीटर दिया हुआ है सेक्शन 2 का भी, और उसके बाद सेक्शन 3 का भी डायमीटर जो है हमें दिया हुआ है 200 मिलीमीटर स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ये 1 का दिया हुआ है, ये 2 का दिया हुआ है, और इसके बाद ये 3 का डायमीटर दिया हुआ है। हमने सिंपली उसको लिख लिया है। मिलीमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये कन्वर्जन है, सिंपल कन्वर्जन है। आप करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने क्यों कन्वर्ट किया है? चूंकि हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट रखना है ताकि मिस्टेक ना हो। अब हमने हमें ये डिस्चार्ज गिवन है, डिस्चार्ज थ्रू पाइप 200 लीटर पर सेकंड। ये स्टेटमेंट में हमें 200 लीटर पर सेकंड दी हुई है मिकदार, तो हमने सिंपली उसको ऐसे ही लिख लिया है। अब इसको हमने मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, तो 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। तो यही सिंपल कन्वर्जन हमने अप्लाई किया है। तो ये हमारा यानी डिस्चार्ज की जो क्वांटिटी थी वो हमें लीटर पर सेकंड में दी हुई थी, हमने उसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया इस कन्वर्जन के थ्रू। ठीक है, अब हमने हेड लॉस जो है वो मालूम करना है। इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हेड लॉस मालूम करना है पाइप का साइज बढ़ने से और कम होने से। पहले पाइप का साइज बढ़ रहा था फिर कम हो रहा है, दोनों की वजह से जो हेड लॉस हुआ है उसकी मिकदार हमने मालूम कर। हमने जो डायमीटर जो गिवन थे उनको हमने कन्वर्ट किया था मिलीमीटर से मीटर में, उनको यूज करेंगे। तो सेक्शन 1 पे एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला, अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो उसके लिए पाई डी स्क्वायर ओवर 4 होता है। तो पाई की वैल्यू पुट की, और सेक्शन 1 पे जो हमें गिवन था डायमीटर वो मिलीमीटर्स में था, हमने कन्वर्ट कर लिया था उसको मीटर्स में, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की और ये हमने कैलकुलेट कर लिया एरिया 1। उसके बाद सेक्शन 2 पे इसी तरह से हमने डायमीटर 2 की वैल्यू पुट की और एरिया कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से सेक्शन 3 पे हमने डायमीटर 3 की वैल्यू पुट की और हमने एरिया फाइंड कर लिया। दोबारा से मैं ये रिपीट कर दूं, ये जो डायमीटर्स की वैल्यूज हैं हम मिलीमीटर से मीटर्स में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं।
ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से इन चीज़ों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो अब हमने डिस्चार्ज और एरिया की मदद से हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन के मुताबिक डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, चैप्टर नंबर 6 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगेन ये रिपीट हो रहा है। और हमने वेलोसिटी एट सेक्शन 1 पे फाइंड करनी है। तो ये एरिया जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्यू ओवर ए हो जाएगा। तो ये वी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए हो जाएगा, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया है, वी वन इज इक्वल टू क्यू ओवर एरिया वन। तो हमें जो क्यू है यानी डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन थी 200 लीटर पर सेकंड, उसको हमने मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड उसकी वैल्यू आई। तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं, एरिया वन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, उसकी वैल्यू पुट की। तो हमारे पास जो वेलोसिटी वन है 11.3 मीटर पर सेकंड आ गई। उसके बाद सेक्शन टू पे हम वेलोसिटी की क्वांटिटी फाइंड करेंगे। तो सेम वही फार्मूला हमने यूज़ किया, डिस्चार्ज हमें नोन था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हमने पुट की। और एरिया टू हमें हम फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू पुट की। तो ये हमारे पास वेलोसिटी टू आ गई 2.83 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने वेलोसिटी एट सेक्शन 3 फाइंड करनी है, डिस्चार्ज हमें गिवन था जिसको हम कन्वर्ट कर चुके थे, उसकी वैल्यू पुट की। और एरिया 3 जो हम फाइंड कर चुके हैं उसकी वैल्यू हमने पुट की। तो ये 6.4 मीटर पर सेकेंड हमारे पास सेक्शन 3 पे वेलोसिटी की क्वांटिटी आ गई। अब हम हाइड्रोलॉस फाइंड करेंगे पाइप का साइज बढ़ने पर और पाइप का साइज छोटा होने पर। तो सबसे पहले पाइप का साइज बढ़ने पर यानी हाइड्रोलॉस ड्यू टू इनलार्जमेंट फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूला ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरी का लेक्चर था उसमें भी पढ़ा है, तो ये अगेन रिपीट हो रहा है। और बुक में भी ये फार्मूलाज गिवन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये फार्मूला है वी वन माइनस वी टू होल स्केयर बाय 2g। तो ये फार्मूला हमने पुट किया, वी वन हम यानी वेलोसिटी वन हम फाइंड कर चुके हैं, ये उसकी वैल्यू हमने पुट की। और वी टू भी हम फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू हमने पुट की, होल का स्क्वायर हमने लिया और बाय 2g की वैल्यू हमने पुट की 9.81। तो ये हमारा जो आंसर है हेड लॉस का 3.65 मीटर में आ गया। हेड लॉस हमने पाइप का साइज बढ़ने पर जो हेड लॉस हुआ उसकी मिकदार हमने फाइंड कर ली। अब हेड लॉस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन पाइप का साइज छोटा होने पर जो हेड लॉस होगा यानी पाइप 300 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हेड लॉस होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला हम थ्योरी के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या बुक में भी गिवन है, तो उसकी ये फार्मूला गिवन है। तो उसमें हमने फार्मूला में जो वेलोसिटी 3 है उसकी वैल्यू पुट की, ये हमारे पास वेलोसिटी 3 की वैल्यू है, ये हमने पुट की, उसका स्क्वायर फॉर्मूले में है वो हमने लिया, और बाय 2g g की वैल्यू हमने पुट की। तो हेड लॉस ड्यू टू कंट्रक्शन यानी पाइप का साइज छोटा होने पर जो हेड लॉस हुआ वो 0.78 मीटर आ गया। अब हमने टोटल हेड लॉस फाइंड करना है कि पाइप का साइज छोटा होने पर और बड़ा होने पर जो हेड लॉस हुआ यानी ड्यू टू इनलार्जमेंट और कंट्रक्शन की वजह से जो हेड लॉस हुआ वो हमने फाइंड करना है। तो दोनों वैल्यूज जो हमारी हेड लॉस थी दोनों किस्म के आए हैं उनको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा टोटल जो हेड लॉस हुआ वो हमने फाइंड कर लिया। प्रॉब्लम नंबर 7.5, ए पाइप ऑफ सेक्शन 0.1 मीटर स्क्वायर सडनली चेंजेस टू 0.4 मीटर स्क्वायर एरिया। द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द पाइप इज 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द प्रेशर एट द स्मॉलर पार्ट ऑफ द पाइप इज 85 किलो पास्कल। फाइंड नंबर वन हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, नंबर टू प्रेशर एट द लार्जर पार्ट ऑफ द पाइप। एक पाइप का सेक्शन जिसका रकबा अशारिया 1 मुरबा मीटर से तब्दील होकर अशारिया 4 मुरबा मीटर हो रहा है। तो एक्चुअली दो मुख्तलिफ साइज के पाइप हैं, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है अशारिया 1 मुरबा मीटर है और दूसरे का अशारिया 4 मुरबा मीटर है। कैसे है, एक रिड्यूसिंग
सॉकेट की मदद से जोड़ा हुआ है या इनलार्जमेंट वाली सॉकेट की मदद से उसको जोड़ा हुआ है, तो इस वजह से उसका एरिया तब्दील हो रहा है। तो मुख्तलिफ साइज के पाइप हैं, उनको एक इनलार्जमेंट वाली सॉकेट से जोड़ा गया है, इस वजह से उनका एरिया तब्दील हो रहा है। अगर इसमें पानी का जो बहाव है वो 1.3 मकब मीटर फी सेकंड हो, और छोटे सरे पर यानी छोटा जो सेक्शन है पाइप का, छोटा सेक्शन है उस पर प्रेशर 85 किलो पास्कल हो, तो आपने नंबर वन पाइप का साइज बढ़ने पर हेड लॉस मालूम करना है, और जो दूसरा सेक्शन है यानी बड़े बड़ा सरा है उस पर पानी का प्रेशर मालूम करना है। तो नॉन डाटा में हमारे पास, नॉन डाटा में एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ पाइप, एरिया वन हमें गिवन है स्टेटमेंट में, वो हमने सेम उसको लिख लिया। उसके बाद एरिया ऑफ लार्जर पार्ट ऑफ पाइप, ये भी हमें गिवन है स्टेटमेंट में, दोनों यानी एरियाज हमें गिवन है। डिस्चार्ज थ्रू पाइप, ये भी हमें गिवन है यानी ये बताया हुआ स्टेटमेंट में, 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये भी हमने सेम लिख लिया। प्रेशर एट द स्मॉलर पार्ट P1, ये भी हमें गिवन था 85 किलो पास्कल, तो 85 किलो पास्कल इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर में भी लिख सकते हैं और किलो पास्कल में भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर एट लार्जर पार्ट यानी जो दूसरा सेक्शन था लार्जर वाला, उस पर हमने प्रेशर फाइंड करना है, और हेड लॉस ड्यू टू इनलार्जमेंट, पाइप का साइज बढ़ रहा है उसकी वजह से जो हेड लॉस होगा वो हमने फाइंड करना है। तो फाइंड कर इसका जो पहला पोर्शन है जिसमें हमने हेड लॉस फाइंड करना है उसको सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी एट स्मॉलर पार्ट, वेलोसिटी बराबर होती है क्यू ओवर ए, कंटिन्यूटी इक्वेशन को हमने इधर अपनी मर्जी से यूज किया है, तो ये हम इससे पहले न्यूमेरिकल में भी कर चुके हैं। तो हमने जो हमें डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन थी वो पुट की इधर, और एरिया वन हमें गिवन था वो पुट किया, इसकी मदद से हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली 3 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एट लार्जर पार्ट भी हमने उसी तरह से फाइंड कर ली। जो डिस्चार्ज था वो हमें गिवन था, और एरिया टू की वैल्यू भी गिवन थी वो पुट की, तो वेलोसिटी टू भी हमारे पास आ गई। अब हेड लॉस ड्यू टू इनलार्जमेंट का जो फार्मूला है ये बुक में भी गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और ये इधर भी है, और इसके अलावा लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ लिया हुआ है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो वेलोसिटी वन की वैल्यू हमने पुट की 3, और वेलोसिटी टू की वैल्यू पुट की 0.75, इसका स्क्वायर लिया, और बाय 2 जी की वैल्यू 9.81, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की हमने, तो ये हमारे पास हेड लॉस ड्यू टू इनलार्जमेंट आ गया 0.258 मीटर, ये टोटल हमारे पास जो हेड लॉस हुआ है वो आ गया। अब हमने दूसरा पोर्शन इसका क्वेश्चन का था प्रेशर एट द लार्जर पार्ट ऑफ द पाइप वो फाइंड करना है, तो इसके लिए हम एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। तो सेक्शन वन और सेक्शन टू पे, तो सेक्शन वन के लिए ये आपकी इक्वेशन है और सेक्शन टू के लिए ये आपकी है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप प्रेशर फाइंड कर सकेंगे। तो सिंपली ये आपका प्रेशर हेड है, ये आपका वेलोसिटी हेड है, ये आपका पोटेंशियल हेड है, और इसी तरह ये सेक्शन वन पे थी ये सारी चीज़ें, ये आपको लास्ट टाइम डायग्राम से समझा चुका हूँ, अगेन ये रिपीट हो रहा है। तो ये आपका प्रेशर हेड सेक्शन टू पे है, ये आपका वेलोसिटी हेड सेक्शन टू पे है, ये आपका पोटेंशियल हेड सेक्शन टू पे है, ये आपका हेड लॉस है जितना हेड लॉस होगा। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, प्रेशर वन की वैल्यू हमने पुट की, प्रेशर वन की वैल्यू हमें गिवन थी 85, वो हमने पुट की, और उसके बाद स्पेसिफिक वेट 9.81 था उसकी वैल्यू हमने पुट की, और उसके बाद वेलोसिटी वन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो पुट की, और 2 इंटू जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 उसकी वैल्यू पुट की, प्लस जेड वन की वैल्यू हमने पुट की 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली पाइप ले हुआ हुआ है, तो इस वजह से पोटेंशियल हेड जो है पोजीशन की वजह से वो होता है, तो पोजीशन 0 है हॉरिजॉन्टली है, इस वजह से ये 0 होगी। और उसके बाद जो सेक्शन टू है उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, तो प्रेशर टू हमें गिवन नहीं है, और उसके बाद ये स्पेसिफिक वेट की वैल्यू हमने 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब भी पुट की, और उसके बाद वेलोसिटी टू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुके हैं वो पुट की,
और बाय 2g ये ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की हमने, प्लस जो हमारा सेक्शन 2 पे पोटेंशियल हेड है यानी पोजीशन की वजह से डैटम से उस पाइप की सेंट्रल लाइन तक डिस्टेंस होगा उसे हम पोटेंशियल हेड कहते हैं। तो ये चूंकि हॉरिजॉन्टली ले हुआ हुआ है इस वजह से इसकी वैल्यू जीरो होगी, और हेड लॉस जो होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हेड लॉस ड्यू टू इनलार्जमेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन में अब जो हमने ये वैल्यूज पुट किए हैं इनको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी। तो इस वाले एक्सप्रेशन को आप सिंपलीफाई करोगे ये वैल्यू आएगी, इस वाले को सॉल्व करोगे ये वाली आएगी, और ये जीरो सेम आ गया, इसी तरह ये इक्वल का साइन आ गया, और ये आपका इस वाली जो वैल्यू है इसको सिंपली इसी तरह से लिख लोगे, और इस वाली जो ये जो आपकी एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आएगा, प्लस जीरो सेम आ गया, और इसी तरह से जो हेड है जो हेड लॉस है वो आपका सेम उसी तरह से आ गया। तो अब इक्वेशन की एक साइड पे ये वैल्यूज होंगी, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो वैल्यूज है इनको दूसरी साइड पे ले आओगे तो ये माइनस में आ जाएंगी। तो हमने सिंपली ऐसे ही किया कि इस साइड पे जो वैल्यूज हैं उनको सिंपली ऐसे पुट कर लिया, दूसरी साइड पे ये वैल्यूज है उनको इधर ले आए, ये माइनस में आ गई। तो ये इसको इक्वेशन के एक ही साइड पे रखा तो हमारे पास इनको प्लस किया और ये माइनस किया, ये वाली हमारी एज होल ये वैल्यू आएगी। इसको हमने ये वाली वैल्यू को ऐसे ही लिख लिया। तो इसको जब हम 9.81 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारा ये आंसर आएगा, तो किलो पास्कल में आएगा, किलो पास्कल बराबर होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर का। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7.9, कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर व्हेन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ पाइप 500 मीटर अपार्ट इज 4 मीटर ऑफ वाटर, टेक वैल्यू ऑफ एफ मीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.009 इन द फॉर्मूला। एक्चुअली हमने पहले क्वेश्चंस जो दो क्वेश्चंस किए हैं उसमें माइनर हेड लॉसेस कैलकुलेट किए हैं, इस क्वेश्चन में हम मेजर हेड लॉस फाइंड करेंगे। मेजर हेड लॉस फ्रिक्शन की वजह से होता है, तो इसमें आप स्टेटमेंट में भी आप देख सकते हैं समझ सकते हैं कि इसमें फ्रिक्शन का जिक्र है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक पाइप जिसका कतर 20 सेंटीमीटर है और लंबाई 500 मीटर है, इसके दो सरों के दरमियान प्रेशर का फर्क 4 मीटर है। अगर कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन 0.009 हो तो फार्मूला की मदद से हमने डिस्चार्ज की कीमत फाइंड करनी है। तो हमारे पास नोन डाटा में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे पास नोन डाटा में डायमीटर ऑफ पाइप गिवन है हमें, ये सेंटीमीटर्स में स्टेटमेंट में गिवन है, हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में लाने के लिए ये कन्वर्जन यूज करेंगे हम, और डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड या हेड लॉस जो है हमारा वो बराबर होगा 4 मीटर के, ये भी स्टेटमेंट में गिवन है। हेड लॉस की वैल्यू उसको भी हमने पुट कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में, तो इसको भी हमने सिंपल करके लिख लिया, और लेंथ ऑफ पाइप ये हमें गिवन है, लेंथ ऑफ पाइप 500 मीटर है, ये हमने लिख ली। डिस्चार्ज थ्रू पाइप हमने फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला मेजर हेड लॉस के लिए आपका बराबर होता है, दो किस्म के फार्मूला उनमें से एक ये यूज कर सकते हैं हम, एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्केयर ओवर 3 d/5 है। तो हम ये हेड लॉस जो है उसकी वैल्यू हमें नोन है गिवन है वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे, और उसके बाद क्यू की वैल्यू हमें अननोन है यानी हमने फाइंड करनी है उसको सेम लिख लेंगे। लेंथ की वैल्यू भी गिवन है हमें 500 मीटर, उसकी वैल्यू भी पुट कर लेंगे, और 3 सेम आ गया, और d/5 यानी डायमीटर जो है उसकी वैल्यू हमें पता है 1.2 मीटर है, तो उसको हम लिख लेंगे सेम, उसकी d/5 हम लिख लेंगे। तो इसको हम सिंपल करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू
है, यानी एक्सप्रेशन है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपलीफाई करने की खातिर। तो हमने क्या किया, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल में ये सेम ये वाली स्टेटमेंट हमने लिख ली, सिंपलीफाई किया है इसको। अब हमने क्या किया कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्यू के साथ इसको हमने डिवाइड कर दिया इस साइड पे ले जाके। तो ये हमने सेम इसी तरह से लिख ली वैल्यू और इसको डिवाइड कर दिया इस साइड पे। तो ये हम क्यू को मजीद सिंप्लीफाई कर लिया, क्यू की वैल्यू को। अब इस वाली सारी जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में, क्योंकि डिस्चार्ज का यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड होता है एसआई सिस्टम में, तो वो हमने लिख लिया। उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी अंडर रूट दोनों साइडों पर लेंगे तो हमारी जो क्यू की वैल्यू है सिंपल ये आ जाएगी, ये मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगी। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से ज़रब कर देंगे तो आपकी 9.21 लीटर्स में ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 7.13, टाउन हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 60,000 इज टू बी सप्लाइड विद वाटर फ्रॉम ए रिजर्वायर 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टाउन। ईच पर्सन इज एस्टिमेटेड टू कंज्यूम 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे एंड हाफ ऑफ विच इज टू बी डिलीवर्ड इन 8 आवर्स। कैलकुलेट द साइज ऑफ पाइप टू मेंटेन द सप्लाई इफ हेड अवेलेबल इज 25 मीटर, अज्यूम चेज इज कॉन्स्टेंट 70। एक झील इसका पानी टाउन को फराहम किया जाता है। इस टाउन की आबादी 60,000 है जबकि झील जो टाउन से 5 किलोमीटर दूर वाक़ है। हर फर्द तकरीबन 150 लीटर पानी रोज़ाना इस्तेमाल करता है। इस डेली सप्लाई का तकरीबन जो निस्फ है 8 घंटों में फराहम किया जाता है। पानी की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए पाइप का साइज मालूम करें। अगर हेड की मकदार यानी हेड लॉस की मकदार 25 मीटर हो और चेज कांस्टेंट की कीमत 70 हो, तो नोन डाटा में हमें जो चीज़ें गिवन है उसको सिंपली लिख लेंगे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ द टाउन यानी नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 60,000 हैं, उसको लिख लिया। लेंथ ऑफ पाइप कितनी है, 5 किलोमीटर है, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया एक स्टैंडर्ड यूनिट मेंटेन करने के लिए। तो ये आपका 5,000 मीटर आ गया। रेट ऑफ सप्लाई आपकी 150 लीटर पर डे पर पर्सन के लिए है, तो इसको आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए पहले भी न्यूमेरिकल में एक मैं बता चुका हूँ, आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से डिवाइड किया आपका 0.15 मीटर क्यूब पर डे पर नंबर में आ गया है आपका, यानी आपने सिंपली लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। उसके बाद टाइम ऑफ पंपिंग 8 आवर्स में, 8 आवर्स है आपकी टाइम ऑफ पंपिंग। साइज ऑफ पाइप आपने फाइंड करना है। चेज इज कॉन्स्टेंट आपको गिवन है 70, हेड अवेलेबल आपका जो है 25 मीटर है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। डेली सप्लाई हमें बताई गई है, हमने उसको लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया हुआ था। अब उसको हमने नंबर हमें वो बताया गया था कि पर पर्सन के लिए हमने एज ए होल निकालनी है, तो उसके लिए हम 60,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 90,000 मीटर क्यूब पर डे आ गया आपका। अब एक दिन की ये सप्लाई हमने निकाल ली कि टोटल जितने भी लोग हैं उनको जो सप्लाई जाएगी वो ये है। सिंस हाफ ऑफ दिस सप्लाई इज टू बी पम्प इन 8 आवर्स, देयरफॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज इन दी पाइप विल बी। तो जो हमारी ये टोटल सप्लाई है इसका आधा जो है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं 8 घंटों में। तो इसको कैलकुलेट करते हैं डिस्चार्ज को हम, तो टोटल हमारा है 90,000। इसका निस हम लेने के लिए 2 से डिवाइड कर लिया और 8 आवर्स जो है उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। 8 को हमने मल्टीप्लाई किया 60 से, ये हमारे मिनट्स बन गए, और फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे सेकंड्स बन गए। तो ये हमारी डिस्चार्ज की वैल्यू आ गई मीटर क्यूब पर सेकंड में, हमने डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल ली। अब ग्रेडियंट जो है हमारा बराबर होता है आई हेड लॉस ओवर आपकी लेंथ है। तो ये फार्मूला भी मेजर हेड लॉसेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसकी मदद से हमारे पास एचएफ की वैल्यू गिवन थी 25 और लेंथ का हमें पता है कि 5,000 है,
ये भी गिवन थी हमें, तो इसकी मदद से हमने ग्रेडियंट निकाल ली। और ये स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा, ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं और बुक में भी गिवन है, ये इसकी मदद से हमने ये वैल्यू मालूम की है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बराबर होता है डी बाय फोर, इसको हम लिटरली यूज करेंगे तो डिस्चार्ज बराबर होता है, ये चेजिस फार्मूला है मेजर हेड लॉस के लिए। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें डार्सी का फार्मूला यूज किया था, ये चेजिस वाला यूज करेंगे। तो ए इंटू सी अंडर रूट एम आई, तो एरिया जो है हमें चूंकि डायमीटर की सूरत में गिवन है, क्योंकि सर्कुलर है हमारा ये पाइप जो है वो यूज करना है, तो इस वजह से एरिया की जगह हम पाई डी स्क्वायर ओवर फोर सिंपली पुट कर लेंगे, सी को उसी तरह लिख देंगे और ये सेम एज इट इज लिख दिया आपने। तो क्यू की वैल्यू हमें जो के हमने फाइंड कर ली हुई है, सिंपलीफाई कर ली हुई है, क्यू की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको इसी तरह सिंपलीफाई करके लिख लेंगे। सी की वैल्यू हमें गिवन है, यानी चेजिस कांस्टेंट की वैल्यू 70 गिवन थी हमें, वो हमने लिख ली। और एम की वैल्यू हमारी जो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की बराबर होती है डी बाई फोर की, वो उसी तरह से हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया। और उसके बाद ग्रेडियंट की वैल्यू हमने इधर निकाल ली हुई थी वो पुट कर देंगे, तो इसको हम अब सिंपलीफाई कर लेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए हम इस पर एक्सप्रेशन को सिंपली इसी तरह से लिख लिया और इसके साथ ये डी वाला आ गया और बाकी को सॉल्व कर लिया हमने, तो ये वैल्यू आई हमारे पास। तो इसको फिर हमने ये अंडर रूट से इसको हमने स्केयर लिया, बोथ साइड का स्केयर लेंगे तो ये डी की पावर फोर हो जाएगा और ये सेम डी बाय फोर इसी तरह से आ जाएगा और ये आपका सेम इसी तरह से आ गया, क्योंकि स्केयर रूट खत्म होगा तो ये आ जाएगा, उसके दूसरी साइड का स्केयर लेंगे तो ये आंसर आएगा। तो डी की पावर फोर और वन ये आपकी फाइव हो जाएगी और इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यूज हैं इस साइड पर ले जाके आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने डायमीटर जो है वो मीटरों में फाइंड कर लिया और इसको फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपने जो पाइप का साइज है वो आपने